हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसा कि आपकी आपको पता है कि आपकी शॉर्टलिस्टिंग की फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग की लास्ट डेट थी आज, और अब वो ओवर हो गई है। अब आपकी सेकंड शॉर्टलिस्टिंग जल्दी आएगी और आपको उसके बाद आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, करनी कर चुके हो गए आप। बट मैं आपको यहाँ पे एक टिप शेयर करना चाहूँगा कि अब से जितने भी दिन बचे हैं आपके इंटरव्यू में, चाहे 10 हैं, 11 हैं, जितने भी हैं, जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, तब तक आप एक प्रैक्टिस अपना लो अपनी लाइफ में कि जब भी आप कल उठते हो या उठने के बाद या दिन में आपको जब भी टाइम लगता है, एक बार आप अपना जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ के लिए आपने प्रिपेयर किया है वो आप राइटिंग प्रैक्टिस करके देखो। और डे बाय डे आप एक कॉपी में करना, उसको नोटबुक में करना, ताकि आपको पता चले कि डे बाय डे आप कितना इम्प्रूव करते हो, कितना आपका बेटर होता जा रहा है। सो यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन दैट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसके बेसिस पर आपकी काफ़ी चीज़ें जज हो जाती हैं, जैसे कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, एंड आपको जो भी आपने किया है, आपके जो भी यू नो रिज्यूम का पार्ट है उस पर आपकी कितनी होल्ड है, ये सब चीज़ें जज हो जाती हैं इस क्वेश्चन में। सो दैट्स माई एडवाइस फॉर यू और टिप फॉर यू, जब भी आप प्रिपेयर करोगे आप इसको ऐसे प्रिपेयर करो और इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। मैंने खुद अप्लाई किया था अपने टाइम पे, एंड दैट्स व्हाई आई एम एडवाइजिंग यू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मे यू गेट द बेस्ट पैकेज यू आर एक्सपेक्टेड टू और यू आर डिजायर ऑफ, एंड प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।